एगलेस ऑमलेट बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी बेसन, आधी कटोरी से थोड़ा कम यानी कि 1/3 हमको चाहिए मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार डाल दें। बेकिंग पाउडर को अच्छे से मिक्स कर देंगे मैदे और बेसन के साथ। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसमें और एक पतला घोल बनाएंगे। तो पहले हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे जिससे कि इसमें लम्स ना बने, और धीरे धीरे करके हम पानी ऐड करते जाएंगे और एक पतला सा घोल बना लेंगे। घोल हमारा बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा पतला घोल रहना चाहिए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, महीन कटा हुआ डाल देंगे, हरी मिर्च और हरी धनिया ऐड करके इसको हम मिक्स कर देंगे। इंडक्शन पर पैन को चढ़ा दिया है और अब ये गर्म भी हो गया है। इसमें हम डालेंगे ऑयल और ऑयल को हम अच्छे से फैला लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे बैटर को। बैटर को अच्छे से एक बार मिला लेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे और इसको फैला लेंगे। और फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पर ही ये कुक करेंगे। ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। हल्का हल्का ऊपर से जब बबल दिखने लगेगा तब हम इसको पलट देंगे। इसे हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही कुक करेंगे, नहीं तो ये बिल्कुल चीले जैसा हो जाएगा। अब हम इसको पलट देते हैं और पलट के दूसरी ओर भी सेक लेंगे। दूसरी साइड भी लाल हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे और बाकी के भी इसी तरह से बना लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफी बनकर तैयार हो गया है ऑमलेट बिना अंडे का। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सॉफ्ट बना है और इसे देखकर कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये अंडे से नहीं बना है। तो फ्रेंड्स, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।